हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग का मोमो का रेसिपी शेयर करना चाहूँगी। आप लोग वीडियो लास्ट पर किया है। ये ब्लैक पेपर है, ये सोया सॉस, ये टमाटर सॉस, थोड़ा सा हम पत्ता को भी लिया है, और ओनियन छोटा छोटा काट लिया, हरा मिर्ची बारीक कटी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट। कढ़ाई गरम हो गया, हम अभी तेल डालेंगे, तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे। तेल गरम हो गया, अभी प्याज डालेंगे, हल्का सा भूनेंगे, हरा मिर्ची डालेंगे, थोड़ा फ्राई करेंगे। प्याज हल्का सा भूनेंगे, अभी अदरक पेस्ट डालेंगे, और ये गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा भूनेंगे। गैस को थोड़ा मीडियम में रखेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच, ये ब्लैक पेपर है आधा चम्मच, थोड़ा सा भून लेंगे। अभी सोया सॉस डालेंगे, टमाटर सॉस डालेंगे, अभी मछली को हम डालेंगे, मछली को काटा निकाल लिया, अभी ये डालेंगे, कैबेज डालेंगे, पत्ता गोभी थोड़ा सा अभी भूनेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। नमक थोड़ी देर बाद डालेंगे, अभी डालने से थोड़ा पानी हो जाएगा। नमक आधा चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, तो हम पूरा फ्राई करेंगे। मेरा मिक्सचर अभी तैयार हो गया मोमो के लिए, अभी ठंडा करेंगे। मैदा अभी तैयार है, अभी हम छोटा छोटा गोल बनाएंगे, छोटा छोटा गोल बनाएंगे, ऐसे छोटा छोटा। मोमो के बटन में थोड़ा सा तेल लगाएंगे, नहीं तो मोमो चिपक जाएगा। लगाएंगे अभी आटा का गोल बनाएंगे, इसमें मिक्सचर भरेंगे, ऐसे ऐसे करके बनाएंगे। मोमो अभी तैयार है, अभी रख देंगे। मोमो तैयार है, अभी पानी गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया, हम इसके ऊपर रख देंगे। अभी कोबा कर देंगे,
10-12 मिनट के लिए रख देंगे। मोमो पक गया है, अभी हम सब करेंगे। मोमो बन के तैयार है अभी। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।